हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फॉरएवर यूनिक में आपका स्वागत है। और आज मैं स्पेशली चर्चा करने जा रहा हूं, रांची क्लास का आज अंतिम दिन है। और जैसा कि हर क्लास में होता है, मैं सभी का एक ओपिनियन लेता हूं कि उनका क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्हें कैसा लगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कलाम जी से। तो कलाम जी हमारे पास आए हुए हैं खगड़िया से। कलाम जी, कैसा लगा आपको 7 दिन? कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला? हाँ सर, मिला। अच्छा, बहुत कुछ मिला सर। ओके, तो जो जो चीज़ें आप एक सोच कर आए थे माइंड में कि हाँ ये चीज़ हम लोग सीख जाएंगे, तो क्या वो चीज़ हुई या कुछ छूट गया आपके हिसाब से? नहीं सर, अच्छा रहा सर, इससे अच्छा भी अच्छा है, अब और अच्छा रहेगा भी। अच्छा, हमारे पास सुमंत जी हैं जो कि बिहार नालंदा से हैं। सुमंत जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 7 दिन का? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा रहा। जो जो सीखना चाहते थे वो सीख गए आप? यस सर। अच्छा, या ऐसा हुआ कि कुछ डाउट वगैरह कुछ बाकी हो मन में? ऐसा नहीं कुछ सर, हमें तो ऐसा लगा कि जो चीज़ नहीं कभी सीख सकते थे वो यहाँ आकर के सीख गए। ओके, हमारे साथ रितु रंजन जी हैं जो कि बिहार नालंदा से हैं। और कैसा रहा ऋतुराज आपका ओवरऑल 7 दिन का एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा, जो चीज़ हम नहीं जानते तो उसको बहुत अच्छा तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं सर। ओके, अच्छा, फ्यूचर में अगर हमारा डिजिटल क्लास हुआ तो क्या आप उसको भी ज्वाइन करेंगे? सर बिल्कुल सर, हम घर जाके सबसे पहले डिजिटल क्लास के लिए एडवांस पे कर देंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ ललित जी हैं जो कि झारखंड से ही हैं और लोहरदगा जिले से हैं। ललित जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 7 दिनों का यहाँ का? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिली। खुशी मिली। ओके, क्लास का माहौल कैसे लगा, कि एक सिखाने का जो तरीका है या क्या चीज़ें कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। ओके, अच्छा, फ्यूचर में अगर डिजिटल की क्लास होगी तो क्या आप उसको ज्वाइन करेंगे? करेंगे सर। करेंगे जी। ओके, थैंक यू। हमारे साथ अभी संजय जी हैं जो कि राउरकेला से हैं। और संजय जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 7 दिनों का? बहुत बढ़िया रहा जी सर। ओके, अच्छा, अभी अगर फ्यूचर में हमने कभी डिजिटल क्लास किया तो क्या आप उसको भी ज्वाइन करेंगे? सर मैं तो जाते साथ ही मैं उनको तैयारी करूँगा सर। अच्छा, ओके, अच्छा संजय जी, ये बताइए मुझे, एक जो हम फीस का अमाउंट लेते हैं 20,000, ये सही है गलत आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब तो कम है, ये कोर्स करने के बाद में आदमी को समझ आएगा कि कम है या ज़्यादा। पिंटू जी हमारे साथ हैं जो कि रफीगंज से हैं, औरंगाबाद ज़िले से। पिंटू जी, कैसा लगा आपको 7 दिन क्लास में? बहुत बढ़िया लगा सर, जो हम सोचे भी नहीं थे वो चीज़ यहाँ मिला सर। अच्छा, तो अभी घर जाके क्या लगता है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे साउंड में? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा से भी अच्छा सर कर लेंगे सर। जलगांव महाराष्ट्र से हमारे पास प्रमोद जी आए हुए हैं, प्रमोद महाजन। तो प्रमोद जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 7 दिनों का? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चीज़ हम सीखने आए थे उससे ज़्यादा ऊपर सीख के जा रहे हैं यहाँ से, तो वो खुशी बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी एक माइंड में कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जाकर कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे साउंड में? हाँ सर, फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ सर। ओके, अच्छा, जो जो इंस्ट्रूमेंट है आपको क्या लगता है, उन सबको अब पहले आप गलत चला रहे थे या सही चला रहे थे? वो तो पहले जो चला रहे थे सर, तो वो बहुत गलत तरीके से चला रहे थे। बहुत गलत चला रहे थे। अच्छा अच्छा, एक जो अमाउंट हमने लिया है 20,000 का, वो क्या लगता है आपको, कम है ज़्यादा है? कम ही है सर। कम ही है। हाँ ठीक है, जो हिसाब से हम सीखे उस हिसाब से बहुत कम ही है। अमरेंद्र जी हमारे पास आए हुए हैं हाजीपुर बिहार से। अमरेंद्र जी, आपको कोर्स के बारे में क्या लगता है, पैसा वसूल काम है या फिर क्या है? पूरा पैसा वसूल है सर। ओके, और पैसा वसूल ही नहीं है, मतलब जितना कहें वो कम ही है सर। कम मतलब ही है। अमेजिंग, हम कह नहीं सकते हैं कितना, मतलब ये है। हेमंत जी हमारे पास आए हुए हैं बलौदा बाजार से, छत्तीसगढ़ से। हेमंत जी, कैसा लगा आपको 7 दिन ओवरऑल क्लास में? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सर। ओके, मन में जो जो चीज़ सोच के आए थे, कैसा सिखाते होंगे, क्या सिखाते होंगे, यहाँ आके क्या लगा आपको, किस तरीके से? सब पूरा फ्री हो गया सर, माइंड क्लियर हो गया। माइंड क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी तो जैसा आप फ्रेश ही हैं, अभी स्टार्टअप ही कर रहे हैं जी सर, तो अब क्या लगता है आपको, आप कितना क्वालिटी में इंक्रीज कर लेंगे? बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे सर। हमारे साथ दीप मेहता जी हैं जो कि लालगढ़ वेस्ट बंगाल से हैं। मेहता जी, कैसा लगा आपको 7 दिन क्लास में? बहुत अच्छा सर। जो सीखना चाहते थे, जो आपकी एक उम्मीद थी घर से, जो जो सोच कर आए थे, क्या वो चीज़ आप सीख पाए यहाँ पर? जी सर जी। अच्छा अच्छा, अगर आपको अब कोई पूछे कि कैसा क्या कोर्स होता है, किस तरीके से, तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा? मेरा ओपिनियन रहेगा कि सबको ये क्लास लेना चाहिए। ओके, और वेस्ट बंगाल में तो साउंड सिस्टम का हालत ही कुछ खराब है। खराब है मतलब गलत तरीके से चलाया जाता है साउंड। ठीक है, तो वो सही तरह से सीखने के लिए क्लास लेना चाहिए।